स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें बोला जा रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैं आशा करता हूँ कि आपको अब पता ही लग गया होगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या क्या हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। और फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है इसमें, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन में, तो आप प्लीज़ मेरी जो पिछली वीडियोस हैं इस एक्सरसाइज की, फर्स्ट वीडियो है, उसे आप ज़रूर देख लें। तो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है ना। तो उसको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तो उससे आपका सारा क्लियर हो जाएगा कि प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन होते क्या हैं। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3, ठीक है। कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। तो इसको करने के लिए जो है हम सॉल्यूशन में जो है प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकालते हैं इसका, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हमारा है कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3। अब हम सबसे पहले करते क्या है कि ये कॉट एक्स है, इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं टेन में, ठीक है ना, क्योंकि हम सब जो है साइन कॉस और टेन में ही करते हैं। तो इस यहाँ कॉट हमें दिया गया है, तो कॉट को हम जो है टेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हमें पता ही है कॉट एक्स इज इक्वल टू होता है 1/10x, ठीक है। तो टेन एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा -1/√3। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि कॉट को हम टेन एक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है हमारी टेन एक्स की, ये नेगेटिव में दे रखी है हमें, ठीक है ना। ये वैल्यू जो है ये नेगेटिव है, तो इसका जो है हमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि एक हम जो ये नेगेटिव साइन है इसको एक मिनट के लिए हाइड कर देते हैं, ठीक है। और अब जो है हम क्वाड्रेंट बनाते हैं यहाँ पे वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश है, और टेन एक्स इज इक्वल टू 1/3 ये किसके बराबर होता है, ये होता है टेन 30° के बराबर। तो हम सबसे पहले जो पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो है हम 30° का एक एंगल बना लेते हैं, ठीक है। मान लो ये 30° का एक एंगल बना लिया हमने। अच्छा, अब क्या है कि अब हमें निकालनी है टेन जो है -1/√3 की वैल्यू। तो अब हमें पता होना चाहिए कि टेन एक्स जो है वो नेगेटिव वैल्यू टेन एक्स की वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ठीक है। एक तो हमारी क्वाड्रेंट ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, टेन एक्स जो है नेगेटिव, और एक हमारी वैल्यू टेन एक्स की जो नेगेटिव है वो इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगी, वो फोर्थ क्वाड्रेंट पर, सॉरी। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में टेन जो है वो नेगेटिव होता है, ठीक है ना। तो ये हमने अब दो क्वाड्रेंट हमने निकाल लिए कि ये टेन एक्स जो है नेगेटिव, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमें मिल सकता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में मिल सकता है। तो अब जो है वैल्यू निकालने के लिए जो हमने ये एक्स एक्सिस पे जो हमने एंगल बनाया है, सेम एंगल जो है हम इधर माइनस वाली साइड माइनस एक्स एक्सिस पे 30° का प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे कि ये हम जो एंगल बनाते हैं वो एक्स एक्सिस को ही बेस लेते हैं, ठीक है। और एक हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं लाइन, और ये हमारा 30° एंगल बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये जो 30° हमारा एंगल बना, तो इसको हम काउंट कैसे करते हैं, यहाँ से करते हैं काउंट। ये हमारा एंगल थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा ये पाई है हमारे पास, तो पाई माइनस यानी कि 180° -30°। तो ये हो जाएगा हमारा टेन 180° -30° इज इक्वल टू -1/√3। अगर इसको हम रेडियन की टर्म में लिखना चाहें तो हम लिखेंगे टेन पाई माइनस
पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा सिक्स आ जाएगा, और सिक्स पाई माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और ये हमारा हो जाएगा टेन, सिक्स पाई में से पाई गए, ये हो जाएगा फाइव पाई अपॉन सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, यानी कि 180 में से 30 डिग्री गए 150 डिग्री, तो 150 डिग्री को हम अगर रेडियन में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो ये हमारा 150 डिग्री, और ये पहली वैल्यू आ गई हमारी प्रिंसिपल वैल्यू 5 पाई बाई 6, ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने एक वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें दूसरी वैल्यू निकालनी है, तो दूसरी के लिए हमने ये फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ये टेन जो है नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट एंगल जो होगा हमारा वो होगा यहाँ से लेके और यहाँ तक, तो ये हो जाएगा हमारा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 360 डिग्री पूरा है, इसमें से हमने माइनस 30 डिग्री निकाल दिया तो हमारे पास ये एंगल आ गया, तो ये हमारा हो जाएगा सेकंड जो है इसको हम लिख सकते हैं टेन 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, या इसको पाई की टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं टेन 2 पाई माइनस पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, तो ये हमारा हो जाएगा टेन, इसका एलसीएम लेंगे सिक्स, सिक्स टू जा ट्वेल्व, ट्वेल्व पाई माइनस पाई इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री, और टेन ये हो जाएगा ट्वेल्व पाई में से वन पाई गए, ये हो जाएगा इलेवन पाई बाई सिक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन रूट थ्री। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है जो सेकंड वैल्यू आ गई प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो ये हमारा हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये हो जाएगा 330 डिग्री, ये पाई की टर्म्स में लिखेंगे तो हम इसे लिखेंगे 11 पाई बाई सिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रिंसिपल वैल्यू इसकी आ गई, तो इस तरह से जो है हमने इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकाल ली। अच्छा अब जो है अब हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है इसका, तो जनरल सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, जनरल सॉल्यूशन में जो है ये मान लो जनरल सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो हमने निकाल लिया प्रिंसिपल सॉल्यूशन, ये है हमारा जनरल सॉल्यूशन, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि हमारे पास टेन एक्स इजिकल टू होता है टेन वाई, ये हमारे पास थ्योरम है, मैंने आपको पहले भी बताई थी, टेन एक्स इजिकल टू टेन वाई या टेन थीटा, जो भी आप इसको बोलना चाहें वो बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा इसमें जो है एक्स इजिकल टू एन पाई प्लस थीटा, वेयर थीटा सॉरी हमने वाई लिया तो इसको वाई लेते हैं हम, प्लस वाई, y belongs to integer, ठीक है ना, तो y नहीं सॉरी n belongs to integer, तो n तो integer है और y जो है हमारा बेसिकली जो है ये प्रिंसिपल वैल्यू है, तो हम इसमें प्रिंसिपल वैल्यू पुट कर देते हैं। पर अच्छा अब जो है एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो हमारा y है जो थीटा है जो ये, इसमें एक कंडीशन और होती है, वो कंडीशन क्या होती है कि जो वाई की वैल्यू है वो वाई बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक, मतलब वाई की जो प्रिंसिपल वैल्यू है जो हमारी वो माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में होनी चाहिए, ये कंडीशन और है
ये हमने जब आपको आपने थ्योरम बताई थी ये वाली, तो इसमें मैंने ये आपको कंडीशन नहीं बताई थी, ठीक है ना, क्योंकि हमारे जो पहला और दूसरा क्वेश्चन था वो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ी थी हमें, क्योंकि वो पाई माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू के बीच में ही हमारे पास एंगल आ रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे कि ये क्वाड्रेंट है हमारा, तो माइनस पाई बाई टू और पाई बाई टू, यानी कि ये दोनों क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इनके अंदर वैल्यू होनी चाहिए। तो अभी तक जो हमने दो क्वेश्चन करे तो उनमें जो हमारी वैल्यू आ रही थी वो इन्हीं दो में आ रही थी प्रिंसिपल सॉल्यूशन की, तो हमने सीधा पुट कर दिया था। तो इसमें जो कंडीशन है एक वाई की, वो वाई जो है वो बिलोंग करना चाहिए माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू के बीच में, ये कंडीशन और है, ठीक है ना। अच्छा, ये हमने कंडीशन क्यों डिस्कस करी, ये कंडीशन इसलिए डिस्कस करी क्योंकि हमारे पास ये जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन आए इसके, ठीक है, ये हमारे पास आए 5π/6 और 11π/6, यानी कि ये कंडीशन हमारी फुलफिल नहीं हो रही जो वाई की है -π/2 से π/2 के बीच में, ठीक है ना। तो ये एंगल उसके अंदर नहीं आ रहे, तो हम सिंपली क्या करते हैं कि हम ये वाला एंगल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये 30 डिग्री है, यानी कि π/6 है, ये एंगल π/6 है, तो ये -π/6 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमने एंटी क्लॉक वाइज लिया था एंगल, तो हमारा एंटी क्लॉक वाइज आ गया 11π/6। और अगर इसको हम क्लॉक वाइज लें, इस वाले को ये क्लॉक वाइज लें, क्लॉक वाइज वी कैन राइट 11π/6 इज इक्वल टू -π/6 कर सकते हैं हम इसे, ठीक है ना, क्योंकि ये 30 डिग्री है और माइनस का 30 डिग्री है, तो इसलिए हमने ये माइनस का यहाँ निशान लगा दिया। तो अब ये हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई कि ये हमने फोर्थ क्वाड्रेंट में इसको ले लिया, इस क्वाड्रेंट इसको एंगल को। तो अब हम जो वाई की वैल्यू है वो -π/6 लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो इसकी वैल्यू है अब इसको हम लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू एन पाई, ये प्लस वाई है तो हमारा वाई जो है ये माइनस में है, तो यहां हम माइनस कर देंगे -π/6, तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे, ठीक है ना। और एन बिलोंग्स टू इंटीजर, ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। अब यहाँ पे हम एन की वैल्यू रखते चले जाएंगे जो भी हमें रखनी है, और हमें एक्स की वैल्यू मिलती चली जाएंगी, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा ये स्टेप सारे समझ में आ गए होंगे इजीली, और बस इसकी बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और इसमें बस दो चीज़ें आप ध्यान रखिए कि जो भी वैल्यू है क्वाड्रेंट में वो कहाँ पर प्लस होती हैं और कहाँ पर माइनस होती हैं, ये याद रखिए इसको, कि कौन से फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से ऐसे जो हैं वो प्लस में होते हैं और कहाँ कहाँ माइनस में होते हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। और दूसरा जो है, आपको एक जो टेबल है 0 से लेकर 90 डिग्री तक की, जो हम 9th से करते चले आ रहे हैं, वो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर 1/√3 जो है वो कितना होता है, और इस तरह से जो जितने भी वैल्यूज़ हैं उसका थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे को जो फर्स्ट वैल्यू मिलती है वो फर्स्ट वैल्यू वहीं से मिल जाती है, ठीक है ना। तो अगर हमें पता होगा कि 10√30 डिग्री जो है वो 1/√3 होता है, तो हम आसानी से फिर आगे कर सकते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम इन क्वेश्चनों को करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सारे स्टेप्स समझ में आ गए होंगे, और आप बस बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिए, और जितनी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतना आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आप मेरी वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या है कि आपको जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं जो मैं अपलोड करता रहता हूँ, तो उसके नोटिफिकेशन आपको उसी समय मिल जाएंगे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपनी अपलोड करता हूँ, ठीक है ना। तो मिलते हैं अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो हम क्वेश्चन नंबर 4th को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए ओके, बाय, थैंक्स।